हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको ई सर्जी निकोम P143 जो कि स्नाइडर कंपनी की रिले है, आज इसकी टर्मिनल डिटेल के बारे में आपको मैं पूरी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जो ये रिले है हमारी 16 इनपुट यानी कि 16 इनपुट एंड 14 आउटपुट यानी कि 14 आउटपुट वाली रिले है। तो जो इसके 16 इनपुट है वो कौन कौन से टर्मिनल पे आप उसके कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि जिनको हम ऑप्टो इनपुट बोलते हैं, और जो 14 आउटपुट हैं जिनको हम रिले 1 रिले 2 से लेकर के रिले 14 तक बोलते हैं, वो कौन से टर्मिनल पे उनके कनेक्शन कर सकते हैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और जो सीटी की वायरिंग है, चेक सिंक्रोनाइजिंग की वायरिंग है, चेक सिंक्रोनाइजिंग के लिए जो वायरिंग करते हैं वो किस टर्मिनल पे कर सकते हैं, इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, इसका मॉडल नंबर होता है P1433118M0B68L। तो देखिए इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और जो सेंसिंग वोल्टेज है, सेंसिंग करंट है, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। देख सकते हैं ये इसका फ्रंट व्यू है, ये SK11 है और ये SK2, ये कम्युनिकेशन के लिए इसके पोर्ट गए हैं और ये बैटरी यहाँ पे होती है। तो चलते हैं इसकी रियर साइड में, इसकी टर्मिनल डिटेल के बारे में पूरी पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ब्लॉक की। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप, ये हमारा जे ब्लॉक है और ये एच ब्लॉक है, और ये जो थर्ड वाला है ये जी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ई ब्लॉक भी लग सकता है यहाँ पे आप, ये डी ब्लॉक है, सी ए एंड बी। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला वायरों के नीचे जो ये बी ब्लॉक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 16 इनपुट और 14 आउटपुट वाली रिले है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यदि इसलिए यहाँ पे ई एंड ए वाला ब्लॉक यहाँ पे नहीं लगा है। फ्रेंड्स जो इसका जे ब्लॉक होता है, इस पर ऑक्सिलरी सप्लाई, वॉच डॉग टर्मिनल एंड कम्युनिकेशन RS485 कम्युनिकेशन के कनेक्शन किए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जे ब्लॉक की। देख सकते हैं J1 J2 जो टर्मिनल होता है वो ऑक्सिलरी सप्लाई का होता है, जो कि 48 से 240 वोल्ट AC या DC आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। J1 पॉजिटिव होता है, J2 यहाँ पे निगेटिव होता है। जे ब्लॉक में जो नेक्स्ट टर्मिनल होता है फ्रेंड्स वो होता है 11, 12 एंड 13, 14, इनको वॉच डॉग कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इसमें दो वॉच डॉग कॉन्टैक्ट होते हैं, 11, 12 एंड 13, 14। 11, 12 वॉच डॉग 1 होता है और 13, 14 वॉच डॉग 2 होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आप 3 एंड 4, 5, 6 जो टर्मिनल होते हैं, इस पर टर्मिनल होते हैं। जो नेक्स्ट टर्मिनल आते हैं फ्रेंड्स वो आते हैं 7, 8, 9, 10। 7, 8 जो होता है फ्रेंड्स वो 48 वोल्ट DC फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं, एंड 9, 8 से भी 48 वोल्ट जो DC होती है वो फील्ड के लिए यहाँ से यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टर्मिनल आता है फ्रेंड्स वो आता है 17, 18। देख सकते हैं सबसे नीचे जो टर्मिनल है ये वाले, ये 17, 18 RS485 कम्युनिकेशन के लिए ये टर्मिनल यूज किए जाते हैं। जो कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पे 17, 18 टर्मिनल यहाँ पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सिटी वाले टर्मिनल पे। देख सकते हैं जो सी टर्मिनल है, ये सिटी वाले टर्मिनल है, सिटी एंड पीटी वाले टर्मिनल है, जिसपे आप सिंक्रोनाइजिंग के और सिटी की सेकेंडरी के जो कनेक्शन होता है वहाँ पे यहाँ पे कर सकते हैं, और REF वाले कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, रेस्टिकेटेड आउटपुट होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे सिटी वाले टर्मिनल और पीटी का कनेक्शन सी वाले ब्लॉक पे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कहाँ पे कौन से कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे C1, C2, C3, ये 1, 2, 3 जो होता है फ्रेंड्स आर फेज की सिटी का कनेक्शन होता है, जिसमें जो 2 नंबर होता है फ्रेंड्स वो कॉमन होता है, और जो 1 नंबर होता है जो बटे 1 की सिटी होती है, बटे 5 की सिटी होती है, जैसे 100 बटे 100 बाई 5, 500 बाई 5, जो 5 वाली जो सिटी की सेकेंडरी का कनेक्शन होता है वो 1 पे किया जाता है, और जो कॉमन वायर होता है सेकेंडरी का S2 वाला कनेक्शन यहाँ पे किया जाता है, और बटे 1 जो कनेक्शन होता है फ्रेंड्स वो 3 नंबर पे किया जाता है। देखिए जो हमारी यहाँ पे सिटी यूज हुई है वो 2 5 बाई 1 की यूज हुई है, तो हमने यहाँ पे कॉमन का कनेक्शन यहाँ पे लगा दिया, और 5 वाला जो सिटी की S1 से कनेक्शन आता है उसको हमने यहाँ पे किया है। देखिए इसी प्रकार जो वाई फेज की सिटी होती है उसका कनेक्शन 4, 5 एंड 6 पे किया जाता है, और जो टर्मिनल होता है फ्रेंड्स वो 5 के लिए यूज किया जाता है, 5 कॉमन है यहाँ पे, और जो 6 नंबर है वो बटे वन वाला कनेक्शन यहाँ पे 6 पे किया जाता है। इसी प्रकार वाई फेज के बी फेज के लिए फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे 7, 8, 9 जो 8 होता है फ्रेंड्स वो कॉमन होता है, उसके बाद जो 7 होता है वाई फाइव वाला कनेक्शन जो कि सिटी की सेकेंडरी का 5, जैसे कि आपको बताया 100 बाई 5 जो 5 वाला कनेक्शन है, ऐसे ही 100 बाई 1 जो 1 वाला कनेक्शन है वो 9 नंबर पे किया जाता है, और 5 वाला कनेक्शन यहाँ पे 8 नंबर पे किया जाता है, 7 पे किया जाता है, 8 यहाँ पे कॉमन होता है, देखिए 8 नंबर यहाँ पे कॉमन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे 10, 11, 12 जो कि न्यूट्रल सिटी होती है,
उसके कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 11 नंबर यहाँ पे कॉमन है और 10 नंबर पे जो वाईफाई वाला टर्मिनल होता है वो कनेक्शन यहाँ पे कनेक्शन उसके करते हैं, और 1 वाले के कनेक्शन यहाँ पे फ्रेंड्स 12 नंबर पे करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 13, 14 एंड 15 जो टर्मिनल है यहाँ पे सेंसिटिव जो अर्थ फॉल्ट होता है जिसको आरए बोलते हैं उसके कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जैसा कि आपको बताया फ्रेंड 14 नंबर पे यहाँ कॉमन होता है, 13 नंबर पे वाईफाई जो कि सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट की सीटी होती है वाईफाई जो निकलता है वो वाला टर्मिनल का कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, और वाई1 वाला कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया 15 नंबर पे, क्योंकि जो हमारी सीटी यूज है फ्रेंड्स वो वाई1 में यूज हुई है, यानी कि जो रेटेड करंट होता है फुल करंट होता है, जैसे कि जैसे हमारा यहाँ पे यूज हुआ है 2500/1 तो 1 वाला कनेक्शन हमने यहाँ पे 15 पे किया है और 14 नंबर पे कॉमन वाला टर्मिनल यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो पीटी की सेकेंडरी के कनेक्शन होते हैं जो कि रेटेड वोल्टेज होती है 110 या 110 वोल्टेज होते हैं, न्यूट्रल के साथ में 63 एम्पेयर आती है, 63.5 एम्पेयर वोल्ट आती है, एम्पेयर नहीं वोल्ट आती है 63 वोल्ट, तो उसके कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। देखते हैं 19, 20, 21 एंड 22 देख सकते हैं यहाँ पे आर फेज 19 पे आता है, उसके बाद 20 पे फ्रेंड्स यहाँ पे वाई फेज और 21 पे यहाँ पे बी फेज और 22 यहाँ पे न्यूट्रल एज ए न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं यदि आपकी रिक्वायरमेंट है। हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने यहाँ पे नहीं किया है। देखिए 22 पे आप न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइन पीटी के कनेक्शन यहाँ पे किए जाते हैं RYBN, और जो बस के कनेक्शन होते हैं 23-24 पे यहाँ पे किए जाते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बस 1 के कनेक्शन यहाँ पे किए जाते हैं 19-20-21-22 और बस 2 के कनेक्शन यहाँ पे किए जाते हैं 23-24। तो जब इस रिले को सिंक करना होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस रिले को आप इसमें प्रोग्राम के द्वारा इसको सिंक कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज RY कि दोनों वोल्टेज सेम आनी चाहिए, यानी कि 110-110 दोनों में आनी चाहिए और फेज एंगल सेम होना चाहिए तब ये सिंक हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे आप वोल्टेज और सिटी का कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि डी आई के कनेक्शन यानी डिजिटल इनपुट जिनको ऑप्टो इनपुट बोलते हैं उनके कनेक्शन कहाँ पे कर सकते हैं, और जो डिजिटल आउटपुट है जैसा कि मैंने आपको बताया 16 इनपुट है और 14 आउटपुट है उनका कनेक्शन कहाँ पे कर सकते हैं वो भी आपको डिटेल में पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डिजिटल इनपुट जिनको हम ऑप्टो इनपुट भी बोलते हैं। देख सकते हैं इसमें दो ब्लॉक लगे, एक डी ब्लॉक लगा है और एक एफ ब्लॉक लगा है। ये दोनों ब्लॉक फ्रेंड्स ये एफ ब्लॉक है ये डी ब्लॉक है, ये फ्रेंड्स डिजिटल इनपुट है। एक इनपुट में फ्रेंड्स टोटल हमारे 8 मतलब एक ब्लॉक में टोटल 8 इनपुट है, और देख सकते हैं एक ब्लॉक में 18 टर्मिनल हैं। तो जो लास्ट वाला टर्मिनल होता है फ्रेंड्स 7 और 8 इंटरनल शॉर्ट रहता है जिसको कॉमन कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। टोटल 1-16 8 DI होते हैं जिनको ऑप्टो इनपुट बोलते हैं। इसी प्रकार एफ वाले ब्लॉक में भी टोटल 18 टर्मिनल है, बट ये यूज में आएंगे फ्रेंड्स वो होंगे 1-16 जिसमें यहाँ पे आ जाएंगे टोटल 8 DI यानी डिजिटल इनपुट जिनको ऑप्टो इनपुट बोलते हैं। एफ में भी फ्रेंड्स यहाँ पे 17 और 18 इंटरनल शॉर्ट रहता है जिसको कॉमन कनेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो डिजिटल इनपुट 1 होता है जिसको हम ऑप्टो इनपुट भी बोलते हैं फ्रेंड्स वो टर्मिनल नंबर 1 और 2 पे यूज किया जाता है। 1 फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स टर्मिनल नंबर 1 जो 1 होता है वो DC का निगेटिव होता है। डिजिटल इनपुट 1 यानी ऑप्टो इनपुट 1 के लिए जो टर्मिनल नंबर 1 है वो निगेटिव होता है, ऐसे ही 2 ऑप्टो 2 के लिए 3 न्यूट्रल होता है, इसी प्रकार 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15 ये न्यूट्रल वाले टर्मिनल है, और ऐसे ही ऑप्टो 1 के लिए फ्रेंड्स 2 नंबर पॉजिटिव आएगा, 4 नंबर पे पॉजिटिव आएगा, ऑप्टो 2 के लिए 3 के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6 पे पॉजिटिव आ जाएगा, 8 पे पॉजिटिव आ जाएगा, 9 और 10 पे पॉजिटिव आ जाएगा, 12 पे पॉजिटिव आ जाएगा, 14 पे पॉजिटिव आ जाएगा और 16 पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 यहाँ पे ये 8 डिजिटल इनपुट हो जाएगा जिनको ऑप्टो इनपुट बोलते हैं जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 ये न्यूट्रल कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सब आपस में यहाँ पे लूप कर दिए जाएंगे न्यूट्रल में, और जो डिजिटल इनपुट है वो किसी भी NO या NC से यहाँ पे आप उसको फीडबैक दे सकते हैं जो यूज करना होता है। इसी प्रकार फ्रेंड जो सेकेंड ब्लॉक होता है एप ब्लॉक होता है जो हमारा ऑप्टो इनपुट जो नेक्स्ट 8
जो हमारे ऑप्टो इनपुट होते हैं फ्रेंड वो भी सेम ही है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15 फ्रेंड जब न्यूट्रल होते हैं, यानी इस पर निगेटिव जो डीसी का न्यूट्रल होता है जिसको माइनस बोलते हैं, माइनस वाला टर्मिनल पर फ्रेंड्स यहाँ पे कनेक्शन कर दिया जाता है, इनको 1, 3 इनको आपस में ऐसे लूप कर दिया जाता है वायरों को, और उसके बाद जो फीडबैक दी जाती है जो ऑप्टो इनपुट 9 होगा फ्रेंड्स वो एफ ब्लॉक के 2 नंबर पे यहाँ पे कनेक्शन कर दिया जाता है। ऐसे ही जो ऑप्टो इनपुट 10 होगा उसका 4 नंबर पे यहाँ पे कनेक्शन कर दिया ब्लॉक एफ के, इसी प्रकार ब्लॉक एफ के 6 पे यहाँ पे डिजिटल इनपुट 11 का कनेक्शन हो जाएगा, इसी प्रकार 8 पर एफ के 8 पर फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑप्टो इनपुट 12 और यहाँ पे इसी प्रकार 13 और यहाँ पे 14 और 15 और 16, तो टोटल इस प्रकार यहाँ पे फ्रेंड्स 16 जो ऑप्टो इनपुट है जिनको डिजिटल इनपुट ही बोलते हैं उनके कनेक्शन यहाँ पे इस प्रकार आप कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड डिजिटल आउटपुट की, देख सकते हैं डिजिटल आउटपुट के फ्रेंड्स यहाँ जो एच का ब्लॉक होता है उसका जो टर्मिनल नंबर 1 एंड 2 होता है फ्रेंड, ये रिले 1 होता है, नहीं डिजिटल आउटपुट 1 होता है। इसी प्रकार फ्रेंड टर्मिनल नंबर 3 एंड 4, ये 3 होता है और ये 4 होता है, देख सकते हैं 3 एंड 4, ये जो टर्मिनल होता है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं रिले 2 यानी कि डिजिटल आउटपुट 2। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे 5 एंड 6 जो टर्मिनल नंबर 5 एंड 6 होता है, देख सकते हैं यहाँ पे 5 एंड 6 लिखा हुआ है, ये 5 है 6 है, ये वाला फ्रेंड होता है डिजिटल आउटपुट 3। RL4 की बात करें तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे जो RL4 है वो चेंज ओवर कॉन्टेक्ट होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, जिसमें 9 हमारा कॉमन होता है और 8 9 8 NO होता है, 9 एंड 7 NC होता है, देख सकते हैं फ्रेंड मैं आपको पास में ले जाकर दिखाऊँ, तो ये टर्मिनल 9 है और ये 7 है, 9 कॉमन होता है, 9 और 7 NC होता है, 9 और 8 NO होता है, तो यहाँ पे हमने NO यूज किया, देख सकते हैं कनेक्शन हमने यहाँ पे किए हुए हैं। इसी जो नेक्स्ट रिले होती है फ्रेंड्स वो होती है RL5 रिले 5, रिले 5 तीन टर्मिनलों को मिला के बनता है, यानी चेंज ओवर टर्मिनल होता है 10 11 और 12, 12 इसमें कॉमन होता है 10 और फ्रेंड 12 यहाँ पे NC होता है, 12 और 11 यहाँ पे NO होता है, और उसके बाद फ्रेंड आता है RL6 ये जो टर्मिनल होता है फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं 13 14 एंड 15 होते हैं, 15 इसमें कॉमन होता है फ्रेंड, 15 एंड 13 यहाँ पे NC होता है, 15 एंड 14 यहाँ पे NO होता है, ये भी एक चेंज ओवर कॉन्टेक्ट होता है। उसके बाद फ्रेंड जो RL7 होता है यानी कि आउटपुट 7 वो होता है फ्रेंड 16 17 18 18 यहाँ पे कॉमन होता है फ्रेंड्स, और जो 18 और 16 जो होता है फ्रेंड्स वो NC होता है, यानी कि जो 18 है और 16 है NC होता है, और 17 और जो 18 होता है फ्रेंड्स वो NO होता है। आपकी रिक्वायरमेंट जिस भी कंडीशन में रखनी है आप उस कंडीशन में इसको रख सकते हैं, आपको NC यूज करना है सर्किट में या NO यूज करना है, इस तरीके से आप इसके जो RL1 से लेकर के RL7 तक है आप इसमें यूज कर सकते हैं। इस रिले के जो भी ये पहले ब्लॉक में 7 RL होती है, यानी कि 7 रिले कॉन्टैक्ट होते हैं जिनको डिजिटल आउटपुट कॉन्टैक्ट यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक आता है फ्रेंड्स वो जी ब्लॉक होता है, उसमें भी सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनते हैं, जो कि ये 1 एंड 2 फ्रेंड जो होता है 1 एंड 2 ये होता है RL8, ये होता है RL8। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे 3 एंड 4 जो 3 एंड 4 जो होता है वो RL9 होता है, 5 एंड 6 जो होता है वो होता है रिले 10। उसके बाद जो रिले 11 होता है फ्रेंड्स वो भी इसी तरीके से यहाँ पे यूज होती है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं जो टर्मिनल होता है वो होता है 9 8 और 7, जो 9 और 7 होता है फ्रेंड्स वो NC होता है, 9 और 7 जो होता है वो NC होता है, 9 और 8 फ्रेंड्स यहाँ पे NO होता है, ये 9 और 8 जो होता है NO होता है, तो आप अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट को इसका कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो कनेक्शन होता है 12 11 एंड 10, जो 12 होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमन होता है, 12 और 10 जो होता है फ्रेंड्स वो NC होता है, 11 एंड 12 जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे NO होता है, 12 यहाँ पे कॉमन है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो होता है वो कॉन्टेक्ट होता है वो होता है फ्रेंड 15 14 13, जो कि RL यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये वाला RL12 था हमारा, ये 13 है, जिसमें कॉन्टेक्ट जो आते हैं फ्रेंड्स वो आते हैं जो कनेक्शन कर सकते हैं, उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे जो 15 होता है वो कॉमन होता है, 15 एंड 13 यहाँ पे NC होता है, और जो 15 और 14 होता है वो NO होता है। उसके बाद जो RL होता है हमारा वो होता है RL14, जिसको हम रिले 14 भी बोलते हैं, रिले 14 भी बोलते हैं, तो उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं
जो 18 होता है वो कॉमन होता है, और 16 18 के साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे जो टर्मिनल जो जी का है, जी का टर्मिनल है, देख सकते जी का टर्मिनल है वो 18 कॉमन होता है, और 16 के साथ में एनसी होता है। और जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 17 और जो 18 होता है वो एनओ होता है, यानी कि 17 और 18 को आप एज एनओ यूज कर सकते हैं। और जब भी कोई फॉल्ट आएगा, यदि आपको फॉल्ट में, ये सब प्रोग्रामेबल है, जितने भी ये आउटपुट हमने ये 14 आउटपुट के बारे में जो हमने इसमें आज सीखा है, ये सारे प्रोग्रामेबल आउटपुट होते हैं। इनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिजिटल इनपुट भी इसी तरीके से प्रोग्रामेबल होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं। आपको कहाँ पे कौन सा आउटपुट या डिजिटल इनपुट यूज करना है, आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के इनको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लास्ट तक देखने लगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, यदि आप चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।